बताइए भाजपा सरकार में कैसे काम हुए? अभी मैं पानी पी के आता हूँ। क्या माहौल है दानी लिमड़ा का? दानी लिमड़ा में तो खिचड़ी पकेगी ना। खिचड़ी पकेगी मतलब? हाँ, कांग्रेस और आम का खिचड़ी पकेगी। परेशानी तो है। परेशानी है, खुलकर बोलो। चुनाव है, जब बोलोगे तभी तो पता चलेगा सरकार को कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, क्या क्या परेशानियां हैं आपको। ये एक अब इंसान को थोड़ा मगज खुला रख के सोच समझ के किसको वोट देना है वो है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, बाकी जो जुमलेबाज है उसको वोट नहीं मिलेगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार आदाब, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्पराज। इस वक्त हम गुजराबाद के अहमदाबाद में हैं और ये विधानसभा है दानी लिमड़ा। इस एरिया का नाम है आरएम चौराहा। ये है, यहाँ पर जनता मौजूद है। चाय की ये कैंटीन है, यहाँ पर लोग काफी ज्यादा चाय पीने आते हैं। इनकी चाय भी बहुत ज्यादा मशहूर है, इनकी चाय भी पियेंगे और इनसे भी बात करेंगे कि आखिर दानी लिमड़ा विधानसभा में क्या माहौल है। कैसा स्वागत है आपका? सबसे पहले तो क्या माहौल है इस विधानसभा में ये बताइए। विधानसभा में तो भी झाड़ू वाले का बहुत जबरदस्त चल रहा है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी का माहौल? आम आदमी पार्टी का। भाजपा सरकार में कैसे काम हुआ? भाजपा सरकार में तो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो माहौल आम आदमी पार्टी का बन रहा है? आम आदमी पार्टी पतंग है। अच्छा, पतंग का भी माहौल? पतंग का ही माहौल चल रहा है। अच्छा, जाएगी इस बार वोट? इस बार वोट जाएगा? जो फायदा करेगा उसके पास वोट जाएगा। क्या लगता है कौन करेगा फायदा? झाड़ू। वोट तो नहीं काटेंगे आकर वो? पब्लिक कह रही है वोट काटने के लिए आ रहे हैं। कौन? केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल ऐसा लगता है कि अब की बार केजरीवाल गुजरात में सरकार बना पाएंगे शायद। अच्छा, चाय गुजरात की बहुत ज्यादा मशहूर है, तो यहाँ पर आकर जनता क्या कहती है? बात होती होगी ना यहाँ पर आकर? झाड़ू सब केजरीवाल। परिवर्तन चाहती है? परिवर्तन चाहती है। हाँ, क्या नाम हुआ? बोलो ना। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम हुआ सर? सुफियान। सुफियान जी, यहीं के रहने वाले? नहीं भाई, मैं जरा काम से आया हूँ। काम से? क्या माहौल है वैसे बताइए चलो आपका। किसकी सरकार बनवा रहे? सरकार तो अभी कोई नहीं आया तो अच्छा है, सबका थोड़ा वो नई सरकार। नई सरकार? हाँ, बदलाव तो चाहते ही है ना। ये सरकार से तो सभी परेशान है भाई। सब परेशान है? क्यों? हाँ, ये आप माहौल ही देख रहे हो कैसा है, इन्होंने बना के रखा है। क्या है क्या नहीं, महंगाई भी तो कोई रोक नहीं है। यहाँ तुम यहाँ बेरल मार्केट का तुम रास्ता देख लो कितने खराब है। क्या है फिर, कहाँ से है कुछ भी है? इसलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। सबसे ज्यादा विकास हुआ है भाजपा सरकार में? गुजरात मॉडल के दावे वादे किए जाते हैं। विकास तो विकास हुआ है, इनके इलाकों में सब हुआ है जहाँ होना चाहिए। विकास हुआ नहीं अभी पूरा इलाका, आप देखो रिकॉर्ड करो पता चलेगा क्या है। मतलब दानी लिमड़ा में विकास नहीं? लिमड़ा में? हाँ। किसे जाएगा वोट? वोट तो जो काम करेगा उसको जाएगा, जो बोलचाल वाली सरकार उसको तो नहीं जाएगा। बोलचाल वाली सरकार मतलब मींस कि ये जुमलेबाज वाली सरकार है उसको तो नहीं जाएगा। जुमलेबाज अब इनको हटाने के लिए झाड़ू को लाना पड़ेगा। अच्छा, झाड़ू उपाय करेगा तो इसके बाद थोड़ा कुछ विकास आएगा और जो है वो दिखेगा। मतलब अभी अंदर हम कवर कर रहे थे, लोग कह रहे हैं हवा हवा ये सब केजरीवाल की बातें ही बातें हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई यहाँ पर। अच्छा, वो ऐसे भी आ रहे हैं हैदराबाद से? वो ओवैसी है भाई वो, लेकिन उसका कुछ काम ऐसा कि अपने को दिखा नहीं, वो बीच में खाली वोट तोड़ने के लिए आया है, दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि अब इंसान को थोड़ा मगज खुला रख के सोच समझ के किसको वोट देना है वो है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, बाकी जो जुमलेबाज है उसको वोट नहीं मिलेगा। चाहे वो अपना कैंडिडेट हो या सामने कोई गैर कौम का हो, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, फाइट किस किस की है यहाँ पर? सबसे बड़ी फाइट तो यहाँ पे बीजेपी की चलती है और वो कांग्रेस की। कांग्रेस का बिल्कुल दिखाई नहीं देगी? कांग्रेस तो बिचारी चुप पे बैठ गई है साइड में, उसका काम भी नहीं है, वो उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि वो उसको बीजेपी को आगे पीछे करके मतलब फिर सत्ता में आ सके वो। अच्छा, हाँ हाँ जी सर, कैसे हैं आप? माहौल क्या है गुजरात का, अहमदाबाद का माहौल तो बहुत खराब है, परेशान तो है भाई, देखो ना। हाँ, थोड़ा पास आ जाइए, आवाज अच्छी आएगी। परेशान तो सब है ही है, कांग्रेस भी परेशान थे, भाजपा से परेशान है। अच्छा, सब पब्लिक परेशान है। मतलब कांग्रेस से भी परेशान, भाजपा से भी परेशान? परेशान तो यही ना, सब अपना अपना घर भर रहे हैं, कोई गरीब पे ध्यान देता ही नहीं है। अच्छा, गरीबी खत्म करो, अमीरों को बढ़ाओ,
जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास नहीं है बेचारा भीख मांग के खा रहा है। अच्छा, मतलब गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो फिर किसे ऑप्शन देंगे इस बार? तो जो नवी सरकार बनेगी तो कुछ करेगी फायदा। अब जो केजरीवाल का ज्यादा चल रहा है, अब वो काम ऐसा बता रहा है, दिल्ली में बता रहा है, पंजाब में सब काम बता रहा है, तो पब्लिक इस पर ध्यान दे रही है थोड़ा, ऐसा लग रहा है माहौल के अंदर। माहौल केजरीवाल का, माहौल केजरीवाल का बता रहा है, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, केजरीवाल का माहौल है। हाँ केजरीवाल का, जिसको देखा वो होता है, जहाँ देखो वहाँ, जहाँ बरसात होती है वहाँ सब मेंढक भागते, ऐसा सीन है। अच्छा किस तरफ भाग रहे हैं इस बार? इस तरफ तो किस तरफ, केजरीवाल के तरफ ही भाग रहे, और कहाँ भागे, वैसे आ रहे हैदराबाद से। वो तो एक आ रहे जी, बात पूरी करिए, बोलिए। केजरीवाल का माहौल है, माहौल वही है, किसी का काम दिखाया लोगों को, पब्लिक समझ रही है। अब तुम कांग्रेस वाले बोलेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कांग्रेस को कोई भरोसा करने वाला नहीं है, न भाजपा कोई करने वाला। अरे भाजपा तो इतने बड़े बड़े वादे करती है, जगह जगह जाकर गुजरात मॉडल की बात करती है, उससे क्या रहा है? वो तो जब बोलते रहा हूँ, जहाँ पैसा वही पैसा है, जहाँ नहीं गरीबों को ध्यान देता ही नहीं है। अच्छा, तो देख लो अंदर कितना, कितनी तकलीफ अंदर बस्ती के अंदर, परेशानी दिक्कत है क्या? दस वाली है भाई, क्या माहौल है दानी लिमरा का? परेशानी तो है, परेशानी है, खुलकर बोलो, चुनाव है, जब बोलोगे तभी तो पता चलेगा सरकार को कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, क्या क्या परेशानियां हैं आपको। हाँ भैया, बोलो ना, परेशानी तो है भाई, परेशानी है। चलिए हम इधर बैठे हैं भैया, और जी भैया बताइए, मैं आपको इधर इधर। हाँ क्या नाम है भैया? भाई क्या माहौल है दानी लिमरा का? दानी लिमरा में तो खिचड़ी पकेगी ना, खिचड़ी पकेगी मतलब कांग्रेस और आम का खिचड़ी पक रहेगी। अच्छा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खिचड़ी पकेगी, तो कोई तीसरा निकल कर चला जाएगा? आराम से निकल जाएगा। हाँ। अगर ऐसी रहे तो वो तीसरा आराम से निकल जाएगा। अच्छा मतलब वोट काटने के लिए आ रहे हैं क्या ये? वोट काटने के लिए क्या आ रहे हैं भाई, एक तरफा वोट पड़ेगा ही नहीं, यहाँ तो एक तरफा वोट पड़ता है तो निकलती है कांग्रेस की सीट। हाँ। और जब एक तरफा, जब दोनों तरफ बढ़ जाएगा तो आराम से निकलेगी ना तीसरी में। अच्छा तो इस बार वोट बटेगा ये कह रहे हैं? हाँ गारंटी से। अच्छा भाजपा सरकार में काम कैसे हुए? अच्छे काम हुए हैं, मगर जो उनके इलाकों में हुए हैं हमारे इलाकों में नहीं हुए। अच्छा ये पीछे लोग कह रहे हैं बोले केजरीवाल की सरकार आएगी और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सरकार तो नहीं आएगी केजरीवाल की। हाँ। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा बातों में ये जनता खुश है, मतलब जो वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि लाइट फ्री कर देंगे, गारंटी कार्ड दे रहे हैं? हाँ केजरीवाल का काम है ना, दो प्रदेशों में सरकार बनी, पंजाब में दिल्ली में, तो उसका काम है ना, मगर यहाँ पब्लिक समझेगी जब भी, तो मगर सब पब्लिक समझ नहीं पाएगी उसकी बात को, भाई वो पहली बार आ रहा है ना, तो इसलिए खुल के उसकी तरफ नहीं हो पाएंगे। अच्छा पहली बार असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, पहली बार केजरीवाल आ रहे हैं, वैसी तो वोट काटू है। अच्छा। कहीं भी चलाए ओवैसी वोट काटू है, जब वैसी जाएगा भाई वह बीजेपी के लिए अच्छा है। जी चाचा क्या माहौल है यहाँ का? अच्छा है, अच्छा है। किसे देंगे वोट इस बार? केजरीवाल, केजरीवाल को। हाँ और बस बस, मतलब ये बताइए भाजपा सरकार में कैसे काम हुए? अभी मैं पानी पी के आता हूँ। पानी पी कर आते हैं तो और जनता से भी यहाँ पर बात करेंगे, ये ऑटो वाले भैया खड़े हैं इनसे भी बात करेंगे, माहौल आखिर यहाँ का क्या है इसे जानेंगे, शायद कोई दिक्कत हो गई इन्हें। आगे चलते हैं पान पूरी वाले की तरफ, वहाँ माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दानी लिमरा विधानसभा का क्या माहौल है। जी भैया क्या माहौल है आपकी विधानसभा का, कैसे जिता रहे हैं इस बार? हाँ भैया क्या माहौल है आपकी विधानसभा में, कौन जीत रहा है इस बार? मुझे इंटरेस्ट नहीं, नहीं इंटरेस्ट है। चलिए तो देखा आपने दानी लिमरा विधानसभा का ये माहौल, जनता कह रही है कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल बड़े बड़े दावे वादे कर रहे हैं, और दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई है, उसके बाद में पंजाब में सरकार बनाई है, अब गुजरात में क्या केजरीवाल सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहली मर्तबा केजरीवाल गुजरात में आकर चुनाव लड़ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात में पहली बार ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, जनता किसकी सरकार बनाएगी, क्या एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, शुक्रिया।